इंडियन ऑडियंस है ना वो यूट्यूब को ज़्यादा जो है एक तो यूट्यूब वॉच ज़्यादा करते हैं और सपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं, बिकॉज़ एक तो उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा है ना, तो उस वजह उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो हम पॉपुलेशन की बात ही नहीं करते, हम ये बात कर रहे हैं कि आपके लेट्स सपोज अगर 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो उसके अंदर कितने सब्सक्राइबर इंडिया से होते हैं और कितने पाकिस्तान से होते हैं, अगर आप इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाएं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनम शेख। अनम शेख, मैं तो जानता हूँ आप, कितने अरसे से मुझे ये बताएं यूट्यूब पे काम कर रही हैं? 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। मैं अगर आपसे पूछूं कि एज ए यूट्यूबर आप पाकिस्तानी ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस में क्या फ़र्क देखती हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? एक्चुअली बात पता क्या है, पाकिस्तान इंडिया का ज़्यादा मसला ये है कि वो इस तरह की मतलब खबरों को ज़्यादा उछालते नहीं है। बींग अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में कोई छोटी से छोटी खबर आती है ना वो इतना बड़ा कर देते हैं, मीडिया इतना बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक है, इंडिया में ये चीज़ है कि इंडिया वाले जो है ना वो पाकिस्तान के इंगेज बात करते हैं। अगर ये आपसे मैं पूछूँ कि इंडिया वाले इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा प्रमोट करती है यूट्यूबर्स को या पाकिस्तानी ऑडियंस? इंडिया। इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा देखती है यूट्यूबर्स को या पाकिस्तानी? इंडिया। सपोर्ट कौन करती है? इंडिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निमरा। निमरा, आप इन्हें कैटलिस्ट रिकॉर्ड पे देखते ही होंगे। निमरा, एज ए यूट्यूबर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप भी एक यूट्यूबर हैं, मुझे ये बताएं कि इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा सपोर्ट करती है यूट्यूबर्स को या पाकिस्तानी ऑडियंस? इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा करती है। करें नॉलेजेबल वीडियोस की तो वो इंडिया में ज़्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एजुकेशन जो है हमारी नस्बत पाकिस्तान की नस्बत अगर हम बात करें तो वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा अच्छी भी है और ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम कोई जो पढ़ी लिखी वीडियो डालेंगे, कोई लॉजिक वीडियो डालेंगे तो वो ज़्यादातर व्यूज़ जो हैं वो इंडिया से ही आते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो थोड़े हार्ड आराम से होते हैं, वो बस सपोर्ट कौन करता है? अब आप पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, लेकिन आपके चैनल को अगर देखा जाए ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर, ज़्यादा ऑडियंस इंडिया की है, ठीक है, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तानी आप यूट्यूबर हैं और सपोर्ट आपको इंडिया वाले कर रहे हैं? हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरेटिव एनालिसिस। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ ना, पाकिस्तान और इंडिया, लेकिन इंडिया ही क्यों कमेंट्स करता है, इंडिया से क्यों फॉलोवर, इंडिया से क्यों सब्सक्राइब? लॉजिकल हमारे टॉपिक्स लॉजिकल होते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा इंडियंस देखना पसंद करते हैं। अभी आपने मुझसे सवाल पूछा कि ज्यादातर जो नॉलेजेबल जो होते हैं टॉपिक्स वो कौन देखता है, तो वो इंडियंस ही देखते हैं। ऑब्वियसली यही बात है कि हमारे भी चैनल पे ज्यादातर व्यूज इंडिया से ही आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑडियंस हमेशा उस चीज़ को सपोर्ट करती है जो उन्हें पसंद आती है, और अगर ऑडियंस की बात करें तो जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं ना तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैसी है। वो हमेशा ही एक बात हमने सुनी होगी, हम लोग मैस कम्युनिकेशन में पढ़ते भी है कि हमें सबसे पहले जो टारगेट है वो ये होता है कि हमें अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। अगर इंडियन ऑडियंस की बात करें तो अगर मैं इंडियन कंटेंट डालूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो ऑडियंस आएगी वो इंडियन होगी, और अगर प्रैंक्स और पाकिस्तानी कंटेंट की बात तो पाकिस्तानी, पर एक बात ये सच है कि वो लोग जो है ना इंडियन कंटेंट वाले और इंडियन ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको ना जज बड़े अच्छे तरीके से करती है और आपको बताती है कि अगर आपकी मिस्टेक्स है तो कहाँ पे मिस्टेक है और अगर आप ठीक काम करें तो कहाँ पे ठीक काम करें है। तो ये सब चीज़ें जो है ना इस लिहाज से आई थिंक सो बेहतर है। पाकिस्तानी ऑडियंस तो बस वो कहती है मगर वो लत जो कोई चीज़ अच्छी लगी। पाकिस्तानी ऑडियंस इवन ये भी कहती है कि तुम लोग क्या इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया को प्रमोट कर रहे हो, इस तरह की बात। बिल्कुल ऐसी बात है, बट ये हकीकत बात है, वो लोग सपोर्ट भी ज़्यादा कर, जो चीज़ अच्छी है ना ये चीज़ मुझे उनकी हमेशा शुरू से बहुत पसंद की इंडियन की। मैंने बहुत ज़्यादा इंडियन कंटेंट पर काम भी किया हुआ है तो इंडियन कंटेंट पर काम करने से मुझे ये ज़रूर पता चला कि वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर आप कोई काम ठीक करें तो आपको लाजमी सपोर्ट करेंगे, और गलत कर रहे हैं तब भी वो आपको आपकी मिस्टेक बताएंगे, और अगर आप लोग मतलब के कुछ भी नहीं करें तब भी वो आपको बताएंगे। तो ये होता है कि सपोर्ट करने की बात होती है, इससे आपको पता होता है कि आपकी मिस्टेक से आपने इसको कवर करके काम करना। ओवरऑल आप ये कहना चाह रही हैं कि इंडियन ऑडियंस ज्यादा अवेयरनेस रखती है और ज्यादा सपोर्ट करती है यूट्यूब पर। हाँ बिल्कुल, कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए और इंडिया की बात की जाए, कहाँ पे वुमेन ज्यादा इम्पावर हैं, कहाँ पे खवातीन को, औरतों को उनके हकूक ज्यादा मिल रहे हैं? इंडिया की लड़कियों की बात की जाए तो वो भी हर मैदान में बहुत ज्यादा आगे हैं, अपने आप को मनवा रही हैं। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री में है, तो पाकिस्तानी बहुत सी चीज़ों में अभी इंडिया से पीछे हैं और इंडिया भी कुछ चीज़ों में पाकिस्तानी से पीछे है। तो ये जस्ट लाइक स्मोकिंग, तो अगर कोई वैसे भी कोई साइड पे भी लड़की आजकल, क्योंकि न्यू जनरेशन मोस्टली साइड पर आ रही है, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कोई बड़ी चीज़ है या बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर कोई पी भी रहा है तो लाइक उसको ऐसे देखा जाता है कि आप ये लड़की की बात कर रही हैं या लड़के की? लड़की की बात। देखें कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो दोनों में यहीं पे तजाद आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ औरतें एम्पावर कम है, वहाँ पे ज्यादा है। वहाँ पर ये है कि अब जैसे ड्रेसिंग, मैं नहीं कह रही कि आया हुआ ना ड्रेस लाइक दैट, लेकिन उसका भी थोड़ा सा होता है कि ड्रेसिंग अपनी मर्जी से करती है, ये चीजें सारी देख के लगता है। वहाँ पे ड्रेसिंग मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि जैसे बहुत उस एडवांस
इंडिया के बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं ऑब्वियसली, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री एंड वी हैव सो मच हिस्ट्री विद इंडिया, तो वी जस्ट होप कि सब अच्छा रहे। आजकल क्योंकि मैं शादी शॉपिंग कर रही हूँ तो सब्यसाची मेरे माइंड में आता है, क्योंकि मुझे इंडियन ब्राइड्स बहुत पसंद है। मुझे जो इंडिया के बारे में चीज़ इंस्पायर करती है वो ये है कि इंडिया तरक्की बहुत जल्दी कर रहा है, और मैं यही चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ़ यू नो एनवीइंग देयर सक्सेस, हम भी उस तरफ जाएँ। और द फैक्ट कि इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान उस चीज़ पे यू नो अमल करे और अपना लिटरेसी रेट बढ़ाए। बिकॉज मी बीइंग अ डॉक्टर, आई वुड डेफिनेटली वांट कि और लड़कियाँ इस चीज़ में आएँ, पढ़ाई की तरफ आएँ और आगे बढ़ें। थिंग अबाउट इंडिया, देयर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड ऑल, इट इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग टू मी कि वो कितना अच्छे से, एक उनकी ड्रेसिंग वगैरह समटाइम्स के वो घाघरा चोली, आई लव दिस थिंग, बहुत अच्छी लगती है मुझे। व्हाट अबाउट यू? मुझे लगता है हार्ड वर्किंग है वो लोग बहुत, इस वजह से वो हमसे आगे हैं। यहाँ पे लोग इतने हार्ड वर्किंग नहीं है, मतलब इनको होता है कि बैठे बिठाए मिल जाए, वहाँ पे जितनी पॉवर्टी ना उससे ज़्यादा डबल लोग हार्ड वर्किंग है। उन्होंने उनके स्ट्रीट फूड ये वो कितना सुना है कि उनके स्ट्रीट फूड बहुत अच्छे हैं, ये है वो है वहाँ पर। मेन थिंग के घर घर होता है। तो व्हाट्स अ मटेरियलिस्टिक थिंग जो आप लोग वहाँ से लेके आना चाहोगे? मटेरियलिस्टिक थिंग, आई वुड से देयर साड़ीज, लाइक एग्जैक्टली देयर क्लोथिंग आइटम्स एंड ऑल दैट स्टफ। ज्वेलरी? ज्वेलरी ज़रूर, आई लव द इंडियन ज्वेलरीज एंड इंडियन ड्रेसेस। वाकई में वो जो उनकी एक पालक पनीर एक डिश है, उसको वाकई में खाने का बहुत दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि इधर कभी ट्राई नहीं की मैंने। अच्छा, कुछ डिशेज जो हैं यहाँ पे भी बागी हैं, जैसे वड़ा पाव हो गया, डोसा, उसके अलावा पानी पूरी, तो वो चीज़ें यहाँ पे ट्राई किया लाहौर में? नहीं, अभी तक तो मतलब लाहौरी फूड ही इतना दिल में समाया हुआ है कि वहाँ से साड़ियाँ वगैरह यही चीज़ें। साड़ियाँ, हर लड़की को वहाँ से साड़ियाँ लानी है, अब तो मुझे भी चाहिए। हाँ ना, मुझे भी चाहिए, जब आपको मिले ना तो आप एक दो मुझे भी। जब आपको मिले आपने मुझे मेरे लिए, ठीक है, डन हो गया। एक्चुअल में यू किस्म की क्या चीज़, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन ऑब्वियसली जो हम कोई सीजन देख लेते हैं, कोई ड्रामा देख लेते हैं, कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं, तो वो जो अपना एक कल्चर शो करते हैं ना, वो बहुत ही फेक सी लुक देता है। लाइक जो कल्चर हम लोग देखते हैं अपने ड्रामास में, वो मोस्टली वैसा होता है, वो बहुत फेक जो होते हैं ना, वो एक बिंग फेक वाली, वो जो साइड लुक। आपको लगता है जो कल्चर उनका दिखाया जा रहा था वो वैसा नहीं है? हाँ। Have you ever visited India? नहीं। क्या पता वैसा ही हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो लगता है ना उनका कल्चर वगैरह ही आता है, जिससे हमारी मतलब सिमिलैरिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर वो जो रिलीजियस डिफरेंस है वो भी आता है सामने, कि वो दुश्मन देश वाली चीज़ है एक। क्या आप इंडिया विजिट के लिए जाना चाहेंगे? ऑफकोर्स जाना चाहूँगी यार, वहाँ के मैंने बहुत सारे सुना हुआ, जैसे दुबई वगैरह, स्पेशली मैं दुबई देखना चाहूँगी उनका। दुबई इंडिया में नहीं है। कर्नाटका, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन। इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं और बहुत मोहब्बत रखते हैं। हमें जाने का मौका मिला या उनको आने का मौका मिला तो फिर तुसी देखो कितने जाते लोग, तो कितने जाती साड़ियाँ, सड़क भरपूर जान दियाँ। फूड बिलोंगिंग इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो फूड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कम पैसों में साफ़ सुथरा फूड देते हैं, उनकी मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है। तो वो मैं फूड वहाँ का वड़ा पाव बड़ा मशहूर।